हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कर ब्रेथ ऑल इन वन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ इस भारी भरकम JBL पार्टी बॉक्स 110 का। तो बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसके अगर लुक्स की बात की जाए तो बहुत बढ़िया लुक है इसका, फंकी टाइप से लुक है। ऑरेंज और ब्लैक कलर में आपको बहुत बढ़िया शेड मिल जाता है। एंड अगर इसके यहाँ पर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक पकड़ने का हैंडल मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ग्रिप करके आप इसको उठा के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। एंड यही नहीं, इसके ऊपर के आप देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे पावर ऑन पावर ऑफ का। एंड यहाँ पर ब्लूटूथ का और बास बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, पॉज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से लाइटिंग का ऑप्शन है। ये लाइटिंग जो है, आपको मैं एक ऐप बताऊंगा जिससे आप इसमें लाइटिंग जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं इसकी पूरी की पूरी। तो वो आपको बहुत काम आने वाला है जब आप इसको आउटडोर वगैरह या फिर इंडोर वगैरह चलाएंगे। एंड इसी के साथ साथ बात की जाए, इसके नीचे भी यहाँ पर आपको एक चीज मिल जाती है, यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड सा मिल जाता है आपको, जिसको आप यहाँ से निकाल कर ट्राइपॉड वगैरह लगा सकते हैं कुछ भी अगर आपको लगाना हो, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है इसका। एंड अब मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ ब्लूटूथ कनेक्ट करके। जैसे मेरे पास एक फोन यहाँ पर पड़ा हुआ है एंड यहाँ से इसका हम ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका ब्लूटूथ तो है, मैंने ऑन कर लिया है। अब इसका ब्लूटूथ जो है वो ऑन कर लेते हैं यहाँ पर हम। एंड इसको यहाँ से पहले पावर ऑन कर लेता हूँ मैं। पावर ऑन हो चुका है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर लाइट दिख जाएगी ऐसे पावर ऑन की। तो यहां से अब इसको ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं हम। ये कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ। अब इस पर गाने वगैरह लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जो है आवाज की कम रखते हैं क्योंकि इसका शोर जो है बहुत ज्यादा है। कोई भी जैसे सॉन्ग लगा लेते हैं। सो अब यहां पर एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसके लिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, JBL पार्टी बॉक्स। ये जो है स्पेशली ऐसे स्पीकर्स वगैरह के लिए आता है ऐप, जो इससे आप इसकी जो है लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड ये इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से। एंड यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन आएगा, वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। JBL गेट स्टार्टेड, इसको यहाँ से परमिशन अलाउ कर देते हैं। एंड ये रेडी हो रहा है। यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको चला के दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ से आपको सिंपली इस ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पर आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये सिंपली। एंड अब यहाँ से आपको जो है इस ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ से इसके आगे आना है आपको। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से नीचे अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्रॉस का, रिपल का। यहाँ पर इसको मैं साइड घुमा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर कर दिया कलर पिकर। यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे ग्रीन ले लिया मैंने, ये ऑरेंज ले लिया, रेड ले लिया, देख सकते हैं आप। कोई भी मैं जो कलर ले रहा हूँ उसी हिसाब से जल रहा है। यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं इसको, जैसे हम यहाँ पे पिंक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर तो यहाँ से हो गया। लूप पे लगा देते हैं इसको हम, डिफरेंट डिफरेंट कलर चलते रहेंगे यहाँ से। इक्विलाइजर वगैरह अगर आपको करना हो, यहाँ पर नीचे अलग अलग गाने वगैरह लगा सकते हैं। मैं आपको नीचे और ऑप्शन दिखा देता हूँ इसके, जैसे कि यहाँ पर ये आ गया, फ्लैश आ गई, कैसे कैसे आपको पैटर्न देखना है। जैसे क्रॉस में चलेंगे अब ये, फ्लो में चलेंगे ऐसे करके लाइन वाइज, फ्लो में चलते हुए, रॉक में चलेंगे, उल्टी साइड को घूमते हुए चलेंगे। इतना वैसे तो ध्यान देते नहीं हम, नीचे यहाँ पर फ्री स्टाइल कलर्स देख सकते हैं। एंड और भी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पर एक सॉन्ग लगाता हूँ साथ में ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। पर इस वक्त लाइटिंग नहीं चल रही, यहाँ पे पीछे से ऑफ है। अब मैं यहाँ से ऑन करूंगा अगर फ्री स्टाइल पे। अब चलाते हैं इसको। ऐसे करके आप यहाँ से लाइटिंग जो आपको पसंद आए वो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं, ये हमने साइड की लाइट चलाना सीख लिया। अब इसमें अगर आपको मेन लाइट चलानी है, ये सेंटर वाली, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर सामने। यहाँ पे आप होल की लाइटिंग जैसे जो भी चलाना चाहे आप चला सकते हैं सारी की सारी। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कोई सॉन्ग, आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल इजी से स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए। एंड अब मैं आपको एक चीज के बारे में और बताना चाहूंगा, अगर इसकी हम यहाँ पर इस साइड पे आते हैं तो
यहाँ पर आपको एक चार्जिंग करने को मिल जाता है, इसको चार्जिंग लगा सकते हैं। इसकी चार्जिंग तो है मेरे ख्याल से 12 घंटे लगता है, लगातार अगर आप चलाएंगे तो चलेगा ये 12 घंटे तक। यहाँ पर आता है इसका चार्जिंग पॉइंट सा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आता है यूएसबी वगैरह आप लगा सकते हैं अगर आपको कोई और डिवाइस इसके साथ कनेक्ट वगैरह करना हो। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग जो आपको पड़ती है 29,000 की मेरे को मिला था फ्लिपकार्ट से, एंड अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है 29,000 के अराउंड मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको ऑफर वगैरह देखने हैं तो आप देख सकते हैं, दिवाली वगैरह पे ले सकते हैं इसको। तो आज की वीडियो को यही करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, जय हिंद।